हे पिता परमेश्वर, मेरे चरणों में आते हैं और जो भी आपके चरणों से सीखने वाले हैं, हमारे जीवन में वर्तमान धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर गौरव हमारी माँ बाप का ही है। आमेन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग यौवन की शुभ वर्तमान उसका पहला अध्याय से सीख रहे हैं। पहले हमने ये सीखा था कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन का शुभ वर्तमान उसका पहला अध्याय पहला वचन। उसके बाद हमने सीखा कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था 14 वर्ष और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज हम 6वां वचन यानी 6वां वचन सीखने वाले हैं। 6वें वचन में सिर्फ पहले भाग में मैं कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ। पहला भाग में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया आप उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। एक मनुष्य, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना परमेश्वर के बारे में बात करने के बाद, इतना यीशु मसीह के बारे में बात करने के बाद कि वो प्रभु परमेश्वर है, वो खुदा है, वो जलाल है, उसके जलाल के बारे में, उसके क्रिएटिव पावर्स के बारे में बात करने के बाद ऑल ऑफ अ सडन यूहन एक आदमी को लाता है बीच में। सडनली पूरा टॉपिक कट करके एक आदमी को लाता है बीच में और हम लोग हैरान हो जाते हैं इसमें कि इतना परमेश्वर के बारे में इतना गौरवी बातें करने के बाद आप एक आदमी को क्यों ला रहे हो। वही एवरीथिंग यूहन ने हमें सडनली जॉन ने पूरा टॉपिक कट करके सिर्फ यूहन को डाल दिया हुआ, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आप उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। सडनली कहीं से भी ऐसा लग रहा था जैसे कि एक स्टोरी था, उस स्टोरी के बीच में एक अब्रप्ट एंडिंग हुआ और सडनली किसी और को डाल दिया आपने। अभी यूहन जो है एक मनुष्य, यूहन जो है वो यीशु मसीह से टोटली अलग था। यीशु मसीह खुद परमेश्वर था पर यूहन परमेश्वर से आया। यीशु मसीह खुद आदि से था पर यूहन का जन्म इस धरती में हुआ और उसका शुरुआत भी यहीं से हुआ। यूहन इतना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यूहन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, आज हम सीखेंगे। एक ये यूहन एक ऐसा व्यक्ति है जो 19 बार उसका जिक्र इस शुभ वर्तमान में किया गया है, 19 बार। ओके, और जब भी यूहन जो है जो लिखता है, दो यूहन है यहाँ पे, एक जिसने लिखा है, दूसरा जो बपतिस्मा करने वाला है। ओके, तो जब भी यूहन ने बपतिस्मा करने वाले के बारे में लिखा है उसने सिर्फ उसका नाम यूहन लिखा है, बपतिस्मा करने वाला करके लिखा ही नहीं उसने। 19 बार उसने उसका जिक्र किया पर 19 बार में भी उसने एक बार भी ये नहीं लिखा कि यूहन बपतिस्मा करने वाला। अगर आप मत्ती पढ़ते हो, मार्क पढ़ते हो या लूक पढ़ते हो, वो लोग हमेशा यूहन को रिस्पेक्ट देते, यूहन को वो पोस्ट देते, पदवी देते, यूहन बपतिस्मा करने वाला। जैसे हम एक पास्टर को बुलाते रेवरेंड ये सो एंड सो या पास्टर ये सो एंड सो, पर जॉन जो है कभी वो पास्टर को वैसे नहीं बोलता, डायरेक्ट नाम से लेता, वो डायरेक्ट नाम देता है उसका। ऐसा क्यों, क्या ये यूहन जो है वो यूहन बपतिस्मा करने वाले से कुछ बैर रखता था, क्या उसके विरुद्ध कुछ था। एक चीज याद रखना, 400 साल के लिए जब पुराने शास्त्र जब बंद हुआ, 400 साल के लिए एक भी व्यक्ति, एक भी नबी उठ के नहीं आया था। नबी या भविष्यद्वक्ता, एक भी नबी या भविष्यद्वक्ता इसराइल में नहीं था। 400 साल के लिए वो लोग तरस रहे थे कि परमेश्वर की ओर से कुछ वचन आए। सडनली ऑल ऑफ अ सडन विल्डरनेस में रेगिस्तान में उनको एक आवाज सुनाई देता है कि वहां पे एक भविष्यद्वक्ता है। वो लोग एकदम चौंक जाते हैं कि 400 साल बाद परमेश्वर हमसे फिर बातें करने लगे। इसलिए उन्होंने भविष्यद्वक्ता के पास जो प्रीच कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया पर उसके तरफ ध्यान दिया। उन्होंने यूहन के पास इतना, वो लोग यूहन को इतना सहारा करने, इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना मानने लगे यूहन को, इतना पूछते थे यूहन को क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता था। 400 साल के लिए वो लोग रुकते थे भविष्यद्वक्ता, फाइनली यूहन आ जाता है, वो जो बोल रहा है वो लोग सुनते नहीं पर सिर्फ जो यूहन है वो ही देखते। हाँ, परमेश्वर की ओर से एक आदमी आया, परमेश्वर की ओर से एक आदमी आया। उन्होंने ना एक पूरा ग्रुप फॉर्म किया था, एक पूरा सेक्ट फॉर्म किया था जो यूहन के चेले कहे
बाइबल में यूहन के चेले कहे गए हैं और वो लोग बहुत स्ट्रांग थे। इनफैक्ट यूहन में आगे पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि यूहन के चेले और यीशु मसीह हमें यहूदी लोग झगड़ा कर रहे थे, दोनों झगड़ा कर रहे थे कि यीशु मसीह तो ज़्यादा लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और यूहन तो कम लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, सारे लोग यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। तो यहूदी लोग भी क्या कर रहे थे, लोगों को डिवाइड कर रहे थे, एक यीशु के चेले एक यूहन के चेले। तो यूहन भी एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर हो गया था, बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया था, वो एक बहुत लोगों की नज़र में बहुत बड़ा हो गया था। इसलिए यूहन का यही मतलब है कि जब भी वो यूहन बपतिस्मा करने वाले का नाम ले वो उसको अपने दायरे अपने लिमिट्स में रखे, अपने सीमा में रखे। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं यूहन तू वहाँ पे ही है क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के सामने तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है, यूहन कुछ नहीं था परमेश्वर के सामने। तो इसलिए उसके डिसाइपल्स को यूहन बताना चाहता था कि बपतिस्मा करने वाला जो है वो सिर्फ यूहन है, एक आम आदमी है जो परमेश्वर की तरफ से आया, बल्कि यीशु मसीह जो है वो खुद परमेश्वर है, खुद परमेश्वर है। उन दोनों में अंतर है, यानी उन दोनों में बहुत जमीन पर अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इनफैक्ट यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यूहन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको बहुत नीचे लाते हैं क्योंकि यूहन जो अभी दो यूहन है, बार बार यूहन यूहन कन्फ्यूज हो जाते हैं। यूहन अपोस्टल जो है जिसने ये शुभवर्तमान लिखा उसने यूहन को हमेशा नीचे की पदवी दी है, सबसे नीचे का पदवी दी है, इसलिए क्योंकि वो उसके डिसाइपल्स उठे ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। आपको पता है बाइबल में लिखा है मत्तई के सुसमाचार उसके 11 अध्याय और 11वां वचन में लिखा है कि पैदा करने वालों में से जो पैदा हुआ है, जो पैदा हुआ है उनमें से यूहन से श्रेष्ठ और कोई आदमी आज तक जना ही नहीं है। यूहन से श्रेष्ठ आज तक कोई आदमी जना ही नहीं है। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि यूहन जो है ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी था, मूसा से भी श्रेष्ठ था, दाऊद से भी श्रेष्ठ था। मत्तई 11:11 बोलो, मत्तई का शुभवर्तमान उसका 11:11। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि यूहन सबसे महान व्यक्ति था। 11:11 में ऐसा लिखा गया है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनसे ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ। सबसे सर्वश्रेष्ठ ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट तक सिर्फ एक ही बंदा था, वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो जॉन जब यूहन को बीच में लाता है उसका महत्व क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, यूहन को बीच में क्यों लाया गया इस गॉस्पल में, एक ही महत्व है, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी भी परमेश्वर यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है। द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ इज आल्सो नथिंग फ्रंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। यूहन जो सर्वश्रेष्ठ आदमी था वो भी यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है। ऐसा है जैसे कि काड़ी पेटी चलाया हुआ, काड़ी पेटी बहुत से सैकड़ों अरबों से जो है सूर्यों के सामने हम लोग देखे जाते हैं। अभी वो काड़ी पेटी का क्या औकात है वो सूरज के सामने, उन सूरजों के सामने, इट्स लाइक द मैच स्टिक इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ सन एंड स्टिल इट कैनॉट कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन जॉन एंड जीसस। जॉन जो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति था वो सिर्फ बहुत छोटा था और यीशु मसीह जो इतना महान था वो इस धरती पे आके छोटा था। क्या हम यूहन को बोलते हैं कि बेचारा यूहन वो तो बहुत बड़ा आदमी था फिर भी हमने उसको बहुत इंसल्ट कर दिया हमने उसका। एक बात याद रखना, यूहन चैप्टर 3, यूहन के शुभवर्तमान चैप्टर 3 वर्स 30 देखो यूहन क्या बोलता है। यूहन के शुभवर्तमान 3:30 ऐसा लिखा गया है, अवश्य है, यूहन कह रहे हैं अवश्य है कि वह बने और मैं घटूं, अवश्य है कि वे वह बने और मैं घटूं। यूहन भी जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था उससे एक चीज कह रहा था कि मैं घटूं और वो बने, मैं घटूं और वो बने। एक बात याद रखना यहाँ, हमारा जो जीवन है वो यूहन के जैसा है, एक कैंडल जैसा है, एक कैंडल या मोमबत्ती जैसा है, जलते जलते हमें दूसरों को रोशनी देना है। हम खुद को जलते हैं
पर चलते चलते हमें दूसरे को रोशनी देना है। कभी हमें अपना स्वार्थ या अपना कंफर्ट कभी देखने नहीं है। हम एक कहावत है, क्रिश्चियनिटी जो है या जो क्रिस्तीपन है, इट इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट, सब यीशु मसीह के बारे में है। अगर मैं यहाँ पे खुद देखे मेरे बारे में बताऊं तो ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। अगर लोगों को मैं दिखूं तो ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, लोगों को सिर्फ यीशु मसीह दिखना चाहिए। योहान जब इस दुनिया में आया था तभी वो सिर्फ एक चीज कह रहा था, मुझमें सिर्फ यीशु मसीह का प्रकाश चमके, मैं सिर्फ यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं यीशु मसीह खुद भी हूँ, मैं यीशु मसीह खुद भी हूँ। क्या हमारा औकात है उस परमेश्वर के सामने? पौल कहता है फिलिपियंस में, यही मन यही विचार अपने आप में रखो जो परमेश्वर यीशु मसीह ने रखा था, कि स्वर्ग के जलाल और वैभव को छोड़कर वो इस धरती पर उतर आया और एक दर्दनाक मौत जो सूली पर था वो चढ़कर मर गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। अगर यीशु मसीह अपना गौरव छोड़ के इस दुनिया में आ सकते तो हम कौन है? हम कौन है? हमारा क्या औकात है? हम हैं कौन यीशु मसीह के सामने? यीशु मसीह से उन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जिनमें नम्रता है। एक बात कहना चाहता हूँ मैं नम्रता के बारे में, नम्रता इज वीकनेस, वीकनेस के बारे में। मूसा, आपको पता है मूसा के बारे में, मूसा कौन था? अगर आप एक्सोडस पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा था कि मूसा जो था सबसे स्टबन आदमी था। स्टबन का मतलब क्या है? सबसे हट, सबसे जिद्दी, सबसे जिद्दी व्यक्ति जो था मूसा था। फिर भी मूसा के बारे में बाइबल में लिखा है उसके जैसे नम्र इस दुनिया में कोई नहीं था उस समय में, उसके जैसे नम्र इस दुनिया में कोई नहीं था। There was no man weaker than Moses on the face of the earth। अगर वो इतना जिद्दी था, अगर वो इतना क्या बोलते हैं क्रोधित वाला आदमी था, उसके जैसे नम्र, मतलब बाइबल ने ऐसा क्यों कहा उसके जैसे नम्र? एक ही चीज याद रखना, वीकनेस का जो वर्ड है या ह्यूमिलिटी का जो वर्ड है, इस ग्रीक वर्ड में एक रहस्य छुपा हुआ है। ये रहस्य यह है कि जब बाइबल में लिखा है बी मी बी हम, मतलब नम्र रहो, उसमें यह लिखा गया है कि तुम्हारे पास, ये इलस्ट्रेट करना चाहता हूं राहुल, एंड बाबू अभी मैं सिर्फ इलस्ट्रेट करूंगा, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो बाबू के पास, बाबू दिखता है कि इसके पास शक्ति है? बिल्कुल नहीं। बाबू दिखता है कि ठीक है ओके नॉर्मल है, ये जब इसको रखते हैं यहाँ पे तो ये दिखता है कि इसमें शक्ति है। अगर ये दोनों ने लड़ाई किया तो सारा हम जो पैसा अगर हम घर में किस पे डालेंगे? राहुल पे डालेंगे कि ये भाई ये जीतेगा, ये जीतेगा करके। क्यों? क्योंकि इसमें शक्ति दिखता है, उसमें शक्ति दिखता है, इसमें स्ट्रांग दिखता है, ये पावर दिखता है, ये थोड़ा मसल्स दिखता है, सब कुछ दिखता है। पर बाबू में क्या है? वीक है, थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा पतला है। नाउ व्हेन दे हैव अ फाइट, ओके, एंड बाबू विंस, अगर ये लोग लड़ाई करें और बाबू जीतता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि बाबू बलवान था? कोई कहेगा बाबू बलवान था? नहीं, हम लोग यही कहेंगे कि राहुल ने गिव अप कर दिया, राहुल ने फाइट छोड़ दिया, क्योंकि हमको मालूम है कि राहुल शक्तिमान है, शक्तिमान है, पर उसने दे दिया, उसने बोला चलो बाबू को जीतने दो, और इसने बाबू जीत गया। बाबू यहाँ पे खुशी मना रहे, क्यों? बाबू बोलेगा मेरे वजह से फाइट जीता? नहीं, क्योंकि राहुल ने गिव अप किया इसलिए तू फाइट जीता, वरना बाबू फाइट जीता नहीं था। राहुल ने जो किया इसको बोलते नम्रता। मेरे पास पावर है, मेरे पास शक्ति है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर मैं करूँगा नहीं। मेरा भी औकात है, मैं दिखा सकता हूँ पर मैं दिखाऊंगा नहीं, उससे नम्रता कहते हैं। इससे नम्रता नहीं कहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी चल के जा सकता है, मीन्स मतलब नम्र रहने का कोई भी आपका गलत फायदा उठाए, इसको नम्रता नहीं कहते। नम्रता इसको नहीं कहते। हम लोग क्रिस्ती का पूरा एक डेफिनेशन गलत हो गया। हमारे ऊपर कोई भी आके चले तो हम लोग चुप बैठते हैं। बाइबल के बारे में कोई भी बोलेगा कुछ हम लोग चुप बैठते हैं। यीशु मसीह के बारे में कोई भी बोलेगा कुछ हम लोग चुप बैठते हैं। मेरे ऑफिस में लोग कहते हैं कि रॉजर तू गलत कर रहा है प्रचार करके। मेरे ऑफिस में एक मुसलमान है जो मेरे को बोल रहे हैं रॉजर तू गलत कर रहा है प्रचार करके। क्यों? क्योंकि कयामत के दिन में हम लोग
हमें सिर्फ पावर दिखा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या है? मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर है, मुझे मालूम है कि मुझ में पावर है, पर मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। जब समय आएगा तभी मैं दिखाऊंगा। और समय कब आता है? अगर कोई बीमार पड़ता है तभी उसके हम लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो जब चंगा हो जाता है तो यीशु मसीह का गौरव होता है, उसमें हमारा पावर दिखता है। आपको मालूम है हमें कितना शक्ति है, हमें कितना पावर है? Matthew 11:11 वही वचन, ओके, Matthew 11:11 ओके। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। पर यहां पे देखो एक ब्यूटीफुल डायनामिक चेंज, एक शिफ्ट हो जाता है। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कौन बड़ा है? स्वर्ग के राज्य के छोटे से छोटे लोग भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। हमने वो शक्ति है, हमने वो पावर है, हमें दिखाना नहीं चाहिए। आपको पता है अगर आपको बताना पड़ता है कि आपके पास सामर्थ्य है, मतलब आपके पास सच में सामर्थ्य नहीं है। अगर आपको बताना पड़ता है कि आपका आप कौन है, मतलब सच में आप कोई नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए आपके स्वभाव से, लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए मूसा के बारे में यह कहा गया था कि वो सबसे नम्र व्यक्ति था, उसके पास शक्ति था और उसने शक्ति का गलत फायदा यूज नहीं किया, छुपचाप है। यही हमारा उद्देश्य है हमारी जिंदगी का। अभी ह्यूमिलिटी के बारे में तो मैंने बता दिया, एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। ह्यूमिलिटी की ऑपोजिट क्या है? प्राइड। प्राइड, आपको पता है पूरे दुनिया में सबसे पहला जो पाप हुआ था वो है घमंड। घमंड कब हुआ? बहुत सैकड़ों साल पहले। स्वर्ग में तीन महान शक्तिशाली स्वर्गदूत थे, एक का नाम था माइकल, दूसरा का नाम था गैब्रियल और तीसरा का नाम था लूसिफर। तीन शक्तिशाली महान बड़े बड़े एंजल्स थे और धरती पे था और धरती पे लोग थे, ओके। वो लोग जो है परमेश्वर की स्तुति करते थे, वो लोग जो थे परमेश्वर का आराधना करते थे और वो आराधना को ऊपर लेके जाने के लिए एक महान शक्तिशाली स्वर्गदूत को नियुक्त किया था, उसका नाम था लूसिफर। लूसिफर जो था लोगों का आराधना स्तुति आराधना ऊपर लेके जाता था परमेश्वर के पास। दूसरा एंजल जो था गैब्रियल एंजल, गैब्रियल मालूम है किस चीज के लिए था? मैसेज पहुंचाने के लिए, वचन या मैसेज जो भी है परमेश्वर का मैसेज पहुंचाने के लिए। तीसरा जो एंजल था वो था माइकल। माइकल जो एंजल था वो वॉरियर योद्धा था, युद्ध वाला एंजल था, ठीक है। लूसिफर जो था जब वो सारे आराधना स्तुति आराधना ऊपर लेकर जाता था उसके आंग में, ऐसा बाइबल में लिखा गया, उसके शरीर में ऐसा 12 9 स्टोन्स था। 9 स्टोन्स मतलब 9 हीरे जैसे थे पत्थर, ऐसे चमकने वाले पत्थर थे। जब भी वो स्तुति आराधना लाता था परमेश्वर के पास, परमेश्वर का गौरव उसके ऊपर प्रबल होता था और वो पूरा तेजोमय होकर पूरे यूनिवर्स में फैलता था। ही वॉज ब्यूटिफुल, ही वॉज परफेक्ट, लूसिफर के जैसा खूबसूरत एंजल इवन माइकल और गैब्रियल नहीं है बाइबल में लिखा गया। वो ब्यूटिफुल था, जब से उसको क्रिएट किया है ना परमेश्वर ने, उसने इतना सुंदरता डाला उसमें, इतना सुंदरता डाला कि ही वॉज ब्यूटिफुल टू लुक एट। सफेद रंग का एकदम महान शक्तिशाली और पूरे स्टोन्स थे यहाँ पे, प्रेशर स्टोन्स यहाँ पे। पर वही एंजल ने लूसिफर में घमंड आया, एक छोटा सा सोच आया, एक छोटा सा विचार आया कि क्या ये सारा जो स्तुति आराधना ऊपर लेकर जा रहा हूं मैं, क्या ये मुझे नहीं मिलना चाहिए? मैं इतना खूबसूरत हूं, मैं इतना प्रभावशाली हूं, मैं इतना महान शक्तिशाली हूं, मुझे मिलना चाहिए। उसके दिमाग में ये थॉट आया, उसने एक तिहाई एंजल्स को अपने साथ लेकर परमेश्वर के विरुद्ध रिबेलियन किया, विरुद्ध किया, परमेश्वर के विरुद्ध गए। परमेश्वर के विरुद्ध जाने के बाद परमेश्वर ने उसे लिया और उसको दंडित करके पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर डालने के बाद पृथ्वी का जो है तहस नहस हो चुका है। और यही हम पढ़ते हैं Genesis 1:2 में, और पृथ्वी तहस नहस हो चुका था, पृथ्वी बेडोल हो चुका था। पहले वचन के पहले अध्याय में यह लिखा गया है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी
मतलब स्वर्ग और पृथ्वी बनाया। दूसरे वचन में लिखा गया है कि वो बेडोल था, वो तहस नहस हो चुका था। परमेश्वर अकॉर्डिंग टू आइज़ाया 45:18 जब भी परमेश्वर बनाता है खूबसूरत बनाता है, वो ऐसे बेडोल नहीं बनाता, वो ऐसे तहस नहस नहीं बनाता है। वर्स 1 और वर्स 2 के बीच में वचन पहला और वचन दूसरे के बीच में लूसिफर का फॉल हुआ। लूसिफर का फॉल हुआ जिसकी वजह से वो पृथ्वी पूरा हिल गया, पूरा नाश हो गया, जिसके वजह से परमेश्वर को एक नया पृथ्वी बनाना पड़ा और वो नए पृथ्वी पर आज हम रहे। सबसे पहला जो पाप हुआ वो है घमंड, कि मैं खूबसूरत हूँ, परमेश्वर को गौरव नहीं जाना चाहिए। एक बात याद रखना, आज भी अगर आपको पोजीशन मिलता है, स्टेटस मिलता है या कुछ भी मिलता है, जीवन का घमंड जो है वो हमेशा उससे दूर रहना या बच के रहना। आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, आज मेरे पास नाम है, आज मैं कोई हूँ, मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, जब भी आप में घमंड आता है एक ही चीज़ याद रखना, सबसे पहला पाप जो हुआ था घमंड। और प्रोवर्ब्स में यूँ लिखा गया था, दैट इज वन थिंग दैट गॉड हेट्स अ लॉट, परमेश्वर एक चीज़ से बहुत नफरत करते हैं और घृणा आती है परमेश्वर को, वो है घमंड, वो है घमंड। या फिर यूहन को देखो, यूहन के पास बहुत कुछ था घमंड करने के लिए और यूहन ने घमंड किया। यूहन ने सिर्फ बोला मैं घटूँ वो बढ़े, मैं झुकूँ वो उठे, मैं मरूँ वो जिए। पौलुस ने कहा था अब ये जीवन जो मैं जीता हूँ मैं नहीं बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह जीता है जो मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, यट नॉट आई लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी, परमेश्वर उसका जीवन मेरे द्वारा जीता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मिट्टी हूँ, मैं तो सिर्फ मिट्टी हूँ, और एक चीज़ मेरे पास है वो है श्वास, वो भी परमेश्वर की तरफ से है। मेरा जो विश्वास भी है परमेश्वर की तरफ से है, सब कुछ तो उसका है, तो मुझे किस बात का घमंड, किस बात का घमंड। नम्रता ये हमारा चिंता है। मेरा दोस्त हमेशा मुझसे कहता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं बोलता था नम्रता से दिखाओ हम ख्रिस्ती हैं। टाइटैनिक 1921 में, टाइटैनिक 1921 में जो मेकर था उसने बोला था अगर परमेश्वर नहीं चाहता है तो ये जहाज डूब नहीं सकते, परमेश्वर नहीं चाहता है तो ये जहाज डुबा नहीं सकता। और वो एकदम खुश हो गए थे, बहुत सारे जन अमीर गरीब सब लोग गए थे कैसे भी जाके फर्स्ट वॉयज सेल में जाने के लिए, कि टाइटैनिक जाने वाला, टाइटैनिक जाने वाला सबसे महान शिप उस टाइम का, वो लोग जाके बैठ गए उस शिप में और जाने लगे। आपको पता है कि 1000 से भी ज्यादा लोग, बहुत सारा ज्यादा लोग मर गए उसमें, किस चीज की वजह से, किस चीज की वजह से, मतलब घमंड की वजह से। क्यों, क्या हुआ पता है आपको उस शिप में? लास्ट मोमेंट तक कैप्टन को विश्वास नहीं था कि यह जहाज डूब रहा है, पानी को भर चुका था अंदर, पानी को वो टाइटैनिक हिट हुआ, पानी भी भर रहा था अंदर, टाइटैनिक टिल्ट भी हो रहा था, पर फिर भी वो कैप्टन को विश्वास नहीं आ रहा है कि ये जहाज डूबने वाला था। उसको तो भूल जा, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक डूब रहा है, इसलिए वो लोग स्पीड बोट्स जो है या जो भी बोट्स है लाइफ सेवर बोट्स उनमें बैठे नहीं, और वो बोट्स को बोले जाओ हम लोग नहीं आने वाले क्योंकि ये मजाक हो रहा है, ये डूबने वाला नहीं। उनको तो भूल जाओ, जो सहकारी थे आजू बाजू में जो सहकारी थे वो लोग भी बोल रहे थे लोगों को शांत रहो टाइटैनिक के साथ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं चाहता ये टाइटैनिक डूब नहीं सकता। और वही लोग अपना मौत पाए, वही लोग नीचे गए डूब गए मर गए। अगर आप गॉड को चैलेंज कर सकते हो तो ये याद रखना आप तो बस मिट्टी हो, भस्म हो जाओगे, आप तो बस घास हो, आज के लिए हो कल चले जाओगे। एक ही चीज़ रहेगा परमेश्वर का वचन, और जब तक परमेश्वर का वचन आपके साथ है आप सदा सर्वकाल का जीवन पाएंगे। प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति में हम खड़े हैं यहाँ पे, और ये जो हम खड़े हैं यहाँ पे परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह से आपके कृपा से हम खड़े हैं। हमने बल्कि आप हमारे द्वारा अपना जीवन जियो, लिव योर लाइफ टू अस जीसस, ताकि हर एक जन जब भी हमारे पास देखते हमें देखे, परमेश्वर हम ना देखें पर आप देखें, परमेश्वर हम ना बोले पर आप बोले, परमेश्वर हम ना सुने पर आप सुने।
परमेश्वर हम शिखना चाहते हैं आप में, जैसे दाऊद कहता है कि आप ही मेरे चट्टान हो, आप ही मेरा गढ़ हो, आपके अंदर मैं छुपना चाहता हूँ, आपके पंखों तले मैं छुपना चाहता हूँ। हमें छुपाओ परमेश्वर। जब भी शैतान हमें देखता है सिर्फ आपको देखना हो परमेश्वर, जब भी हमें कोई भी देखता है सिर्फ यीशु मसीह देखना चाहिए परमेश्वर। हमारे हमें कोई घमंड नहीं है परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं है आपके सामने, हम नम्रता से आपके चरणों में आकर गिड़गिड़ा कर हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ आपका जीवन हमें जीना चाहिए परमेश्वर। हम जीना चाहते हैं सिर्फ आपका जीवन, हम जीना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव द लाइफ दैट वी वॉन्ट टू सर्व। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर इस समय सारा गौरव वादा और महिमा केवल आपका। आमेन। अभी जाहिरात के लिए कोई स्पेशल जाहिरात नहीं है, तो सिर्फ संडे सर्विस ऐसे ही होने वाले हैं। किसका बर्थडे है तो अगर किसका एनिवर्सरी या बर्थडे है तो आ गया है पास्टर का बर्थडे देखिए आपको। अच्छा, हम प्रार्थना करेंगे पास्टर के लिए क्योंकि पास्टर का बर्थडे है। हम प्रेयर करेंगे।